गुरबाणी के प्रसारण को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा वा कि गुरबाणी का प्रसारण हर एक चैनल से होना चाहिए वा। सो उन्होंने यह भी कहा कि जो भी आधुनिक उपकरण चाहिए ने दरबार साहिब दे विच वो भी सरकार खर्चा करन नू तैयार हैगी आ। सो इस ते आम लोगों की राय की है कि गलबात कर लैंदे आ सर, गुरबाणी के प्रसारण को लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारे चैनलों से प्रसारण आना चाहिए वा, जो भी उत्थे आधुनिक उपकरण चाहिए सरकार अपने वालों लगाने भी तैयार हैगी आ, पर एक एक खास चैनल से नहीं होना चाहिए प्रचार। देखो मुख्यमंत्री साहब ने बहुत वड्डी गल कही है भी जेड़ा सचखंड श्री दरबार साहब जेड़ा कीर्तन है वह लाइव टेलीकास्ट सारे चैनलों ते होना चाहिए। असी उन्हां दे नाल सहमत हाँ क्योंकि जेड़ा बाणी ते गुरबाणी का प्रसार ते प्रसारण है सारी दुनिया विच होना चाहिए। जिथे किते गुरु का सिख बसदा सारी दुनिया विच वो ये प्रसारण जेड़ा जेड़े लोग नहीं आ सकते दरबार साहब दर्शन करन लाइव नहीं वो अपने जेड़े दर्शन है वह जेड़ा कीर्तन लाइव टेलीकास्ट सुनदा टेलीविजन ते वो तो भी कर लेंदे। अज साडे इत्थे भी हिंदुस्तान च जां पंजाब च भी ऐसे बहुत हजारां लखां लोग ने जेड़े टेलीविजन ते सचखंड दरबार साहब दा। सो मेरी एक राय है के प्रसारण सारे जेड़े न्यूज चैनल है जेड़े नैशनल चैनल है उन्होंने अधिकार मिलने चाहिए है ये जेड़ा प्रसारण दिखाने दे, पर एक शर्त भी वो जेड़े धार्मिक होने चाहिए है चैनल निरोल धार्मिक, क्योंकि दरबार साहब का जेड़ा कीर्तन है ज एक स्थान है ऐसा जिथे सारी दुनिया के सिख जुड़े हुआ ते वो धार्मिक होना चाहिए। उदे च कोई एड नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। असी जिवे आ यूट्यूब ते आपा कीर्तन सुनते हैं जा बाणी सुनते हैं उदे एड चलती है, कई किस्म की एड चलती है, इतराज योग एड भी चलती है। सो ये धार्मिक जे अपने चैनल दरबार साहब के प्रसारण लई निरोल धार्मिक होण तां इह जिहड़ा अधिकार जिहड़े आ उह मिलने चाहीदे आ, इक वड्डा उपराला आ असीं इहदी शलाघा करदे। सो बिल्कुल उपराला भी चंगा कर रहे ने लोग। सर किस तरह देखदे हो सीएम दे इस बयान नूं, कह रहे ने कि चैनल ते सारे चैनलां ते प्रसारण जिहड़ा वा आना चाहीदा गुरबाणी दा ना कि इक चैनल दे। जी बिल्कुल सीएम साहब जी दी बहुत वधिया सोच है जी, जो गुरबाणी दा प्रचार हो रहा हर एक चैनल ते होना चाहीदा जी। जो अमरजीत सिंह जी टिक्का जी ने दस्या है कि जो आइड अलग अलग तरह की आइड चलती है वो नहीं होनी चाहिए जी, निरोल गुरबाणी का प्रचार ही होना चाहिए जी। सर तुहाडी की राय हैगी आ गुरबाणी के प्रसारण लैके? सर बिल्कुल आम लोगों नाल असीं गलबात कर रहे हैं। सर तुहाडी की राय हैगी आ गुरबाणी के प्रसारण नूं लैके? मैं जी भी तो यो गल चाहुंदे आ कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी वध तों वध सोभा कीती जावे, देश विदेशां विच कीर्तन बाणी निरोल इन्हां ते विखाया जावे, जो बजुर्ग बाबा है वह भी नहीं उत्थों तक पहुंच सकता ते वह भी उस चीज़ के दर्शन कर सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा। सलाघा जिहड़ी आ लोग जरूर कर रहे ने और यह भी कह रहे ने कि धार्मिक चैनल जरूर होने चाहिए ने, ना कि कोई न्यूज चैनल, ना ही कोई उत्ते कोई गाने आ, ना ही किसी तरह की कोई एड आवे। सो इस तरह के जिहड़े बयान आम लोगों वालों दिते जा रहे ने कि सीएम वालों जो बयान दिता गया वा कि गुरबाणी का प्रसारण ना कि एक चैनल ते होवे बल्कि सारे चैनलों ते होवे, पर लोगों की यह भी शर्त है कि जिहड़े चैनल गुरबाणी का प्रसारण करन उन्हां ते धार्मिक सिर्फ समागम दिखाए जाण, उन्हां ते धार्मिक कीर्तन दिखाए जाण, ना कि किसी तरह की कोई एड, ना ही किसी तरह के कोई गाने जिहड़े आ इन्हां चैनलों ते दिखाए जाण। कैमरामैन सलमान दे नाल नरेंद्र महेंदू, जगबाणी टीवी लुधियाना।